डॉक्टर साहब, नींद में वीर्य गिर जाता है, उसको रोकना कैसा? कई लोगों को, वो पुरुष हो वो महिला हो, कोई भी हो, उनमें नॉक्टर्नल इमिशंस होते हैं, मुख्य तौर पर यंग एज में, युवकों में, युवतियों में ये नॉक्टर्नल इमिशंस रात के नींद के समय। वो पुरुषों में तो वीर्य गिर जाएगा, महिलाओं में योनि से बाप पानी के जैसा स्राव होता है। नींद में उनके एक प्रकार की सेक्स की ड्रीम्स, सेक्स के जो ड्रीम्स स्वप्न होते हैं, आ स्वप्न आते हैं। पुरुषों में जो पुरुष हस्तमैथुन करता है वो उसको तो नॉक्टर्नल इमिशंस, दैट मीन नींद में वीर गिरना कम होता है। जो पुरुष हर रोज में हस्तमय नहीं करता वो तो उसको जो शुक्रकोश होते हैं, शुक्रकोश वीर से भर जाएगा, इसके नींद के समय प्रेरणा होता है ब्रेन में, वो ब्रेन उधर से संकेत भेजता है शुक्रकोश को, वो तो उस प्रेस करके वीर को बाहर निकालता है। इसलिए हर रोज अस्तमय करने वाले में नींद में वीर गिरना बहुत कम है, लेकिन उन्हें भी गिरता, हर रोज करने वाले में भी स्वप्न करके ड्रीम्स, सेक्स ड्रीम्स आ करके नींद में वीर गिरेगा। वैसे ही महिलाओं में भी नींद में सब आई थे, लेकिन महिलाओं को लेने से कंपैरेटिवली पुरुष से महिलाओं में सेक्स ड्रीम्स कम होते हैं, सेक्स नींद में आप पानी निकलना कम है। पुरुषों में अधिक पुरुषों में तो नींद में वीर गिरना अधिक होता है, महिलाओं में उतना नहीं, उतना पानी निकलेगा ऐसा नहीं है। नॉक्टर्नल इमिशंस महिलाओं में कम है, पुरुषों में अधिक है। ये तो कोई बीमारी नहीं, वो रोकने की जरूरत नहीं, जाने दो वीर, जाने दो उसे पानी, महिला में योनि से पानी जाने दो, क्या होता है, कोई नुकसान नहीं। वीर कितना जाने पर भी कुछ भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, इसलिए उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। ये तो एक प्रकार का हेल्दी साइन है, उनमें तो सेक्स वेरी एक्टिव है, एक्टिव रहना है, इसलिए जिस पुरुष को जिस महिला को नींद में वो इस प्रकार का स्खलन होता है वो अच्छी ही है, उसे कोई भी नुकसान नहीं। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज को निकट वाली डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित डॉक्टर समरम हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram Multichannel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channel.